अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों, कैसे आप सब लोग? आज की इस वीडियो में हम इंडियन आर्मी सोल्जर जनरल ड्यूटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो टॉपिक है, दैट इज जनरल साइनस। और अगर मैं जनरल साइनस की बात करूं, ये जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से उठाए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सारे के सारे क्वेश्चन जो है, हमारी जो सीरीज चल रही है, ओल्ड पेपर्स में से उठाए हुए क्वेश्चन है। आज के प्रैक्टिस सेट की अगर मैं बात करूं, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 हमारा रहेगा। और यहां पे आज के इस वीडियो में हम 60 एमसीक्यू करने वाले हैं। आज मैंने 10 एमसीक्यू एक्स्ट्रा लाए हैं। अगर मैं इन 60 एमसीक्यू की बात करूं, तो पहले हम 50 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और लास्ट में उन्हीं 50 एमसीक्यू में से 10 एमसीक्यू का टेस्ट लिया जाएगा। उसमें से आपको टारगेट जो है 10 आउट ऑफ 10 रखना है, क्योंकि अगर आप पहले 50 क्वेश्चन अच्छी तरह से देखोगे और उनको माइंड में बिठाओगे, तब जाके आप लास्ट में 10 क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और आपको बताता चलूं, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज है। इसीलिए जो क्वेश्चन आपको आता है, दैट इज गुड। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, उसे रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि इंडियन आर्मी में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच गैस इज यूज्ड इन फ्लाइंग बैलून्स। तो जो बैलून उड़ाए जाते हैं, गुब्बारे जो हवा में उड़ाए जाते हैं, उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यहां पे हिंदी वाले भी देख सकते हैं अच्छी तरह से। हाइड्रोजन एंड हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर, या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट जितने भी लोग कह रहे हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, दैट इज द राइट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन इज है। तो ब्रोमीन क्या है? क्या ये नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, मेटल है, या नन ऑफ दीज? तो ब्रोमीन की अगर मैं बात करूं, ये मेटल है, तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लेवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ। तो यहां पे स्लेवा जो है, किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन, या नन ऑफ दीज? तो यहां पे ए पार्ट स्टार्च हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू। तो आपको बताना कि डाइजेशन के बाद जो प्रोटीन, ठीक है ना, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फैट, ग्लूकोस, अमोनियो एसिड्स, या नन ऑफ दीज? तो ये अमोनियो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इनकी भी हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। तो अर्थ की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? कोर, क्रस्ट, मेंटल, या नन ऑफ दीज? तो यहां पे क्रस्ट हमारा बी पार्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है, 6, 5, 3, या यहां पे नन ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है ना, यहां पे नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो ए पार्ट 6 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स डेंसिटी। आपको बताना है, जब आइस मेल्ट होता है, तो इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिकम जीरो, रिमेन सेम, इंक्रीज, या डिक्रीज? तो आइस जब मेल्ट होता है, इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपसे पूछा गया है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, जूल, या नन ऑफ दीज? तो यहां पे ए पार्ट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो यहां पे सरफेस टेंशन का यूनिट आपसे पूछा गया है, न्यूटन, जूल, न्यूटन मीटर, या नन ऑफ दीज? तो यहां पे सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ऑफ ए लेंस इज। तो जो लेंस का पावर है, वो आपसे पूछा गया है, डायोप्टर, ऑर्स पावर, न्यूटन, या लाइट ईयर? तो यहां पे डायोप्टर, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द क्वांटिटी विच विल नॉट चेंज इज। तो आपको बताना कि जब वेव जो है ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उस वक्त कौन सी क्वांटिटी है जो कि चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेव लेंथ, या नन ऑफ दीज? तो फ्रीक्वेंसी ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ साउंड। दरअसल क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, देखिए, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। तो क्लोरोफिल किन में पाया जाता है, किन में देखने को मिलता है? यहाँ पे ऑप्शन कुछ दिए हैं, फ्लोएम, जाइलम, लीफ, या स्टेम? तो यहां पर अगर मैं देखूं, तो
ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, लीफ में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा गया है 2, 4, 5 या नन ऑफ दीज, तो यहां पे ए पार्ट 2 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोबर गैस इज ऑल्सो कॉल्ड, गोबर गैस को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, गोबर गैस को और किस नाम से जाना जाता है, प्योर गैस, ब्लू गैस, बायोगैस या नन ऑफ दीज, तो गोबर गैस इज ऑल्सो कॉल्ड बायोगैस, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए हु डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन, तो ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा डिस्कवर की गई है, गैलन, विलियम हार्वे, फॉक्सिन या नन ऑफ दीज, तो यहां पे बी पार्ट विलियम हार्वे हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज कॉल्ड, तो स्किन की जो चमड़े की आप कह सकते हो जो ऊपरी सतह है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, चमड़े की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, एपिडर्मस, डर्मस, बोथ या नन ऑफ दीज, तो देखिए 18 का हमारा एपिडर्मस राइट आंसर होगा, ठीक है ना, इसे एपिडर्मस कहते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द हार्ट बीट रेट ऑफ ए यंग हेल्दी मैन, तो एक हेल्दी यंग हेल्दी मैन की जो है एवरेज में जो हार्ट बीट देखने को मिलती है वो क्या है, 50 टाइम्स, 72 टाइम्स, 180 टाइम्स या नन ऑफ दीज, तो नॉर्मल हार्ट बीट रेट जो है 72 टाइम्स है, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, आपको बताना कि इनमें से जो है ब्रेन की एक्टिविटी क्या है, थिंकिंग, बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज, तो यहां पर अगर मैं थिंकिंग की बात करूं ये भी जो है ब्रेन जो है इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, बैलेंसिंग द बॉडी इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, दैट मीन बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज, आपको बताना कि इनमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, ग्लास, पेपर, कॉपर या नन ऑफ दीज, तो सी पार्ट कॉपर हमारा राइट आंसर होगा, आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना है। स्वागत है आप सब लोगों का जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल में, यहाँ पे आपको आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए सफलता का ज्ञान दिया जाता है। अगर आप भी अपने आने वाले परीक्षाओं में सफलता हासिल करना चाहते हो और जिस ज्ञान की आवश्यकता आपको पड़ेगी उस ज्ञान की प्राप्ति पाना चाहते हो तो जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अभी सब्सक्राइब करें जेकेपी स्मार्ट यूट्यूब चैनल को, धन्यवाद। तो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दैट्स बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, आपको बताना है कि बेरी बेरी जो डिजीज है इनमें से किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या नन ऑफ दीज, तो यहां पे विटामिन बी, बी से आप बेरी बेरी याद रख सकते हो, तो बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एटीपी स्टैंड्स फॉर, एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज, तो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेल फीमेल जीन्स इन द फ्लावर आर कॉल्ड ओवा एंड, देखिए यहां पे आपको बताना है मेल एंड फीमेल जो जीन्स होते हैं उनमें जो फ्लावर में मेल और फीमेल जीन्स होते हैं एक को ओवा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, जायगोट, पोलन, पुपा या स्पर्म, तो यहां पे पोलन कहते हैं, ठीक है ना, ओवा जो है फीमेल का होता है और पोलन जो है मेल का होता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। और देखिए यहां पे आपको मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो सारे के सारे क्वेश्चन है ओल्ड पेपर में से उठाए गए हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज की हमारी जो सीरीज है इसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली मैंने हर एक प्रैक्टिस सेट में 40-50 क्वेश्चंस करवाए हैं, दैट मीन ओवरऑल आज का वीडियो देखने के बाद आपको जो है आज तक हमने अप्रोक्सीमेटली 200+ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं केवल 4 वीडियोज में, और ये जो 200 एमसीक्यू है केवल और केवल जर्नल साइंस पे थे। और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी सीरीज आएगी जीके पे, ठीक है ना, अग्निवीर के लिए मैं कह रहा हूँ जीके पे, जिसमें हम मिक्सड करेंगे, जिसमें और ये सारे के सारे अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर्स होंगे, इसमें हिस्ट्री हम करेंगे, ज्योग्राफी हम करेंगे, सपोर्ट्स हम करेंगे, सारा का सारा पोर्शन जो है मिक्सड करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर आए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पिक करेंगे और यहाँ पे आपको बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह लिए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है ताकि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज आप अच्छी तरह से याद रख पाओ, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि आपको पता है कि इंडियन आर्मी में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और आपको बताता चलूं कि उसके बाद हम ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जो ओरिजिनल पेपर मेरे पास है इसके अलावा भी ढेर सारे ओरिजिनल पेपर मेरे पास है और मैंने स्टेटस भी रखा था, अगर किसी के पास कोई
कोई ओरिजिनल पेपर वो मुझे सेंड कर सकता है। तो वहां पे भी ढेर सारे पेपर्स आए हैं, वो भी हम रियल पेपर बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज हम कर लें जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद रखने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं और मैं आपको ये याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है आपको, मेरा चैलेंज है आपको। वो किस तरह से याद होंगे वो मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको वीडियो देखना है अच्छी तरह से। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज नॉट ए कंपाउंड। इनमें आपको बताना कि कंपाउंड कौन नहीं है, स्टील, ब्रास, वाटर या आयर। तो अगर आयर की मैं बात करूं, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय नमोनिया डिजीज। आपको बताना है कि इनमें से नमोनिया डिजीज से कौन सा पार्ट जो है, कौन सा ऑर्गन जो है बॉडी का जो इफेक्ट होता है, आईज, ईयर्स, लंग्स या यहाँ पे लिवर होना चाहिए। लाइव मैंने लिखा है, यहाँ पे लिवर होना चाहिए, तो यहाँ पे लंग्स, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायर आर रेड ब्लड सेल्स मेड। तो आपको बताना कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो कहां पे बनती है, बोन मैरो, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट बोन मैरो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो रॉकेट जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, न्यूटन्स लॉ, कोलम्स लॉ, केपलर्स लॉ या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट न्यूटन्स लॉ हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी। आपको बताना जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी है वो किसके द्वारा इन्वेंट की गई है, ठीक है ना, वोल्टा, न्यूटन, कोलंब या नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक बैटरी वोल्टा के द्वारा इन्वेंट की गई है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बैरोमीटर डैश इज यूज्ड। तो बैरोमीटर में इनमें से क्या यूज किया जाता है, वाटर वेपर, मर्क्यूरी या नन ऑफ दीज। तो मर्क्यूरी, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज आल्सो कॉल्ड। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को और किस नाम से जाना जाता है, स्नेल्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे ए पार्ट जितने भी लोग कह रहे हैं, स्नेल्स लॉ जो कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइन इज ए यूनिट ऑफ। तो डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का, पावर का, वर्क का या मोमेंटम का। तो डाइन की अगर मैं बात करूं, इट इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेंडाल इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की जिसका संबंध जो है टेंडाल इफेक्ट के साथ है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्शन, बोथ एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट हमारा राइट आंसर होगा। विच विटामिन इज प्रेजेंट इन काऊ मिल्क। यहाँ पे आपको बताना है जो दूध होता है, ठीक है ना, उसमें कौन सा विटामिन आपको देखने को मिलेगा, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे विटामिन B12 ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हु डिस्कवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई है, जॉस प्रेस्ली, रोंटेजन, चैडविक या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो प्रेस्ली के द्वारा, ठीक है ना, ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का कलर कैसा होता है, ब्लू, व्हाइट, ब्लैक या कलरलेस। तो यहां पे कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, जी नहीं होता है। फिर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, नहीं होता है, ब्लैक भी नहीं होता है। फिर यहाँ पे व्हाइट तो अब है ही है ना, तो व्हाइट बिल्कुल गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर कलरलेस है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 38 नंबर क्वेश्चन की, विच विटामिन इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। तो लेमन एंड ऑरेंज में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो अगर मैं लेमन एंड ऑरेंज की बात करूं, ये दोनों क्या होती हैं, मीठी चीजें होती हैं, इनमें कड़वाहट, जो खट्टापन है 0% होता है ना, कड़वाहट इसमें 0% होती है, नहीं होती है। यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो मैं मजाक कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि आप डाइवर्ट हो रहे हो, इसलिए अगर मैं बात करूं लेमन एंड ऑरेंज की, ठीक है ना, दोनों चीजें खट्टी होती है, तो खट्टी चीजों में कौन सा विटामिन देखने को मिलता है, विटामिन सी, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस। तो ओजोन गैस की अगर मैं बात करूं, इसका कलर किस तरह का होता है, पेल ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक या व्हाइट। तो ओजोन गैस का कलर जो है पेल ब्लू होता है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट।
तो मिल्क की प्योरिटी नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? यहां पे हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, रेडियोमीटर या नन ऑफ दीज। तो बी पार्ट लैक्टोमीटर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लाइंग मैमल, तो फ्लाइंग मैमल इनमें से कौन सा है? बैट, वेल, हैन या स्नैक। तो बैट, ठीक है ना, चमगादड़। तो मैंने पिछली बार भी कहा था कि बैट के काटने से भी कौन सा रोग होता है? रैबीज होती है। और पागल कुत्ते के काटने से भी रैबीज होती है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर, और ये भी यहां पे नोट डाउन कर लेना। देखिए ये दो क्वेश्चन भी जो है पूछे गए थे। हैन की अगर मैं बात करूं, हैन के मुर्गी का जो अंडा होता है वो एक सेल होती है, ठीक है ना। स्नैक की अगर मैं बात करूं, ये रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेपस, फिमर, जॉ बोन या नन ऑफ दीज। तो यहां पे स्टेपस, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और स्टेप्स कहां पे देखने को मिलती है? कान में देखने को मिलती है, दोनों कानों में देखने को मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच विटामिन इज वाटर सोल्युबल, तो आपको बताना कि इनमें से वाटर सोल्युबल विटामिन कौन सा है। देखिए अगर मैं वाटर सोल्युबल विटामिन की बात करूं तो बी एंड सी, ये दोनों क्या है? वाटर सोल्युबल है। और बी की कैटेगरी में जितने विटामिन आते हैं वो भी वाटर सोल्युबल है, सी भी क्या है? वाटर सोल्युबल है। और अगर मैं फैट सोल्युबल की बात करूं तो के ई डी ए, आपको नोट डाउन कर लेना। तो यहां पर अगर मैं वाटर सोल्युबल की बात करूं, इनमें से कोई नहीं है, दैट मीन नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, सिंबल ऑफ आयरन, तो आयरन की सिंबल आपसे पूछी गई है, Fe आपको नोट डाउन कर लेना। और साथ ही साथ Na क्या है? सोडियम की सिंबल है। और Fe किसकी है? आयरन की सिंबल है। इसके बाद देखिए साइनस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो साइनस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फेब, 12 जैन, 8 मार्च या नन ऑफ दिस। तो 28 फेब को जो है साइनस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ, तो एम्पेयर किसका यूनिट होता है ये कमेंट बॉक्स में आप बता देना। अब ये मत कहना कि मैंने केवल 46 क्वेश्चन करवाए, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताए, बराबर यहां पे मैंने 50 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। तो अब आते हैं हम स्पेशल से टेस्ट की तरफ। 10 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया जाएगा, 10 प्रश्नों का टेस्ट लिया जाएगा, और आपको जो है 10 में से 10 यहां पे लाने हैं, टारगेट अपना कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ यहां पे, हाँ वीडियो तो हम ऑलरेडी चला रहे हैं, बढ़ते हैं हम अपने टेस्ट की तरफ। तो देखते हैं कि यहां पे आप में से कितने लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। यहां पे देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द कलर ऑफ ओजोन गैस, ओजोन गैस का कलर किस तरह का होता है? पेल ब्लू, ऑरेंज, ब्लैक या व्हाइट। बढ़िया, यहां पे पेल ब्लू हमारा राइट आंसर होगा। प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, प्योरिटी ऑफ मिल्क किससे नापी जाती है? अब ऑप्शन आप खुद से पढ़ा करो, ठीक है ना, यहां पे दोबारा से ऑप्शन नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि ये टेस्ट लिया जा रहा है। यहां पे अगर मैं बी पार्ट की बात करूं, बिल्कुल सही आंसर है, लैक्टोमीटर इज द राइट आंसर। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिल्कुल ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्म ऑफ साउंड, दरअसल मैंने आपको अभी बताया था साउंड, ठीक है ना, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय न्यूमोनिया डिजीज, तो न्यूमोनिया डिजीज से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? आईज, ईयर्स, लंग्स या लिवर। तो यहां पे लंग्स, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? बढ़िया, यहां पे ए पार्ट 2 जो कह रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए गोबर गैस इज आल्सो कॉल्ड, क्या क्या कहा जाता है गोबर गैस को और किस नाम से जाना जाता है? प्योर गैस, ब्लू गैस, बायोगैस, नन ऑफ दीज। तो बायोगैस सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्योरिटी ऑफ मिल्क इज मेजर विच इंस्ट्रूमेंट, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, लैक्टोमीटर, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्लाइंग मैमल, तो फ्लाइंग मैमल इनमें से कौन सा है? बैट, वेल, हैन या स्नैक। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। देखिए पावर ऑफ लेंस, तो लेंस का पावर क्या होता है? डायोप्टर होता है। ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसी के साथ हमारी सीरीज एंड होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब आपको बता चलूं, जो अग्निवीर की क्लास है कल नहीं होगी,
परसों 9 बजे अग्निवीर की क्लास होगी, लेकिन कल जो है बॉर्डर बटालियन के लिए क्लास ली जाएगी और हमारे जो रेगुलर क्लासेस चल रही है वो कल होंगी, ठीक है ना। यहाँ पे इंडिविजुअली क्लास आती है, एक दिन अग्निवीर के लिए और एक दिन हमारी कॉमन क्लास जो कि हर रोज आती रहती है। आपको बताते चलो कि इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो हमने डिस्कस किया है, अगर आपने शायद नहीं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो, हाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 ही है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 अगर आपने नहीं देखा है उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस मत करना। आपके स्क्रीन पर ये जो वीडियो शो हो रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, इस पर क्लिक करके ये वीडियो एक बार जरूर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर क्लिक करना ना भूलें।